फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी फ्राइड राइस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। फ्राइड राइस बनाने के लिए गैस का फ्लेम हम एकदम हाई रखेंगे। मैंने कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल और देखिए मैं किस तरीके से फैला के इसमें डाल रही हूँ। तो अच्छे से हम चारों साइड में मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। 2 हरी मिर्च को मैंने काट के लिया है छोटा छोटा। एक प्याज है, एक गाजर और आधा कप के करीब बीन्स है जिसको मैंने काट के लिया है। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी पसंद की डाल सकते हैं। आप इसे स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, कुछ भी डाल सकते हैं। सब्जियों को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब बीच में हम जगह बनाएंगे। इसे हम सबसे पहले डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, आप तीखा जितना पसंद करते हो उसी हिसाब से डालिए, और आधा चम्मच सोया सॉस। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 कप मैंने उबले हुए चावल लिए हैं। इसको हम एकदम तले से उठाएंगे, नहीं तो चावल जो है हमारे टूट जाएंगे। देखिए मैं किस तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बनाने में एकदम ईजी है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे। ये हमारा कुक हो गया है, इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा तो वेज फ्राइड राइस बन के रेडी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है। देखिए एक एक दाना खिला खिला बना हुआ है, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। और आपका कैसा बना मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।